नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीच थेरेपी के बारे में कि कैसे पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर स्पीच थेरेपी हेल्प करती है। ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। हर साल साइंस इंजीनियरिंग में हजारों पेशेंट आते हैं अपना पैरालिसिस का इलाज करवाने। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बोलने में दिक्कत हो रही होती है। इससे पहले हम स्पीच थेरेपी जाए पहले जाना जरूरी हो जाता है कि एक्चुअल में जब उनको पैरालिसिस हुआ तो उनकी आवाज गई क्यों, उनके दिमाग के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनकी आवाज चली गई। पैरालिसिस के मैक्सिमम केसेस के अंदर रीजन क्या होता है पैरालिसिस का, वो होता है इनफैक्ट कि दिमाग के अंदर कोई खून का थक्का आ गया या दिमाग की कोई नस फट गई, उसकी वजह से उनकी आवाज चली गई, आधा हिस्सा पैरालिसिस हो गया। तो जिन लोगों की आवाज जाती है उनके ब्रेन की तरफ देखने की वाली बात होती है कि जब किसी की आवाज जाती है तो उनके इस हिस्से में यानी दिमाग के इस हिस्से में नसफटी होती है या क्लॉट आया होता है जिसकी वजह से उनकी बोलने की क्षमता चली जाती है। तो हुआ क्या होता है उनके दिमाग के अंदर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रेड कलर की वेसल्स हैं। अब ये इस हिस्से में जो जा रही है, अगर यहाँ पे कहीं खून का थक्का आ जाए तो यहाँ से आगे वाले हिस्से ब्लड नहीं पहुँच पाता और ये एरिया डैमेज हो जाता है। जब आपका ये एरिया डैमेज हो जाए तो हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें हम पेशेंट के अंदर स्पीच वापस नहीं लेकर आ सकते, वो दोबारा बोलने लायक नहीं हो सकता। ये तभी मुमकिन है जब हम ये जो नुकसान हुआ है इस के अंदर इसका काम दूसरे हिस्सों को ट्रांसफर करते, तब जाकर पेशेंट के अंदर बोलने की क्षमता थोड़ी बहुत आनी शुरू होती है। इसके लिए हमें करनी पड़ती है